यही मसला है तुम्हारा। खुद तो तुम गला दबाने पर भी अपना राइट समझती हो, मगर किसी दूसरे को उसकी बात मुकम्मल करने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारी यही डोमिनेटिंग सोच तुम्हें कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देगी शांजे। कहीं जा रहे हो तुम लोग? क्या टेलर के पास? तो मैं लेके चलता हूँ ना। आप ही, आपके साथ जाना है मैंने। हाँ अच्छा है ना, शानी छोड़ देगा बारी बारी हमें। आप ही हमारा रिक्शा भाई वेट कर रहा है, चलें। तुम्हें नहीं लेके जाना ना, मत लेके जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। यार अभी अभी बाहर से आया हूँ, घर में घुसने दो। ड्राइवर ही बना लिया तुमने मुझे। शानी यहाँ चलो, शानी वहाँ चलो। सबर नामी कोई चीज होती है कि नहीं? मुझे नहीं आता ये सबर बबर, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? यार भूख लग रही है, मेरी हालत खराब हो रही है भूख से। दो मिनट नादिया, खाना लगा दो। आप ही, कोई जरूरत नहीं है, कम खाया करो, मोटे हो जाओगे। अच्छा कॉन्शियस हो रही हो ना कि तुम्हारे साथ तस्वीरें अच्छी नहीं आएगी अगर मोटा हो गया। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने का। पता नहीं अब्बा इसकी हवा क्यों तारीफें करते रहते हैं। आज ही जाके उनको शिकायत करती हूँ कि उनका भांजा कितने नखरे दिखाता है बात बात पर। नखरे मैं दिखाता हूँ, तुम दिखाती हो। नाराज, चल ऑफ चल। अच्छा पप्पू को सलाम तो करने दो, जाके बाइक स्टार्ट करो। अच्छा और कोई हुक्म मैडम? जल्दी आना। हेलो, देखो प्लीज फोन मत बंद करना। शानी अगर फोन बंद करना होता तो उठाती क्यों? तुम आखिर मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? शानी सुन तो रही हूँ, बोलो। तुम तो बहुत पसंद करती थी मुझे सचिन, कहती थी हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है। मैं वही हूं पहले वाला शानी। नहीं शानी, तुम वो पहले वाले शानी नहीं हो। जिससे मेरी दोस्ती थी वो मेरा कजन था, और जिस दिन से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो, ना ही मेरा दोस्त रहा और ना ही मेरा कजिन। हाँ तो मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है? शानी मुझे तंग करती है तुम्हारी ये बातें। 10 दफा बता चुकी हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो नहीं करती ना। सिर्फ इसलिए ना कि एक मामूली सी जॉब कर रहा हूँ मैं। सात दिन खराब कर देता है इस तरह कॉल्स करके। हाँ प्यार के
किसका फोन था? शानी का। तो इसमें इतनी बेजारी वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे नहीं पसंद वो इस तरह पूरा दिन मुझे कॉल किया करे। अच्छा, वो वक्त भूल गई जब सुबह शाम अपने कामों के लिए उसको दिन में कई कई बार फोन किया करती थी? हाँ, तो वो मेरी हिमाकत थी ना। मुझे तो लगता है अब हिमाकत कर रही हो। मोहब्बत दोस्ती से बहुत ज्यादा अहम होती है। अगर तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? तुम्हारी तरफ तो जब भी किसी ने मोहब्बत से अपना हाथ बढ़ाया, तुमने अपने इस पागलपन के बायस खुद से उसे दूर कर लिया और इसी नतीजे में आज तुम तन्हा हो शानजे। तुम नहीं समझ सकती, मोहब्बत के मामले में तुम तो हमेशा ही बंजर रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई आएगा नहीं। अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सुना तुमने? यही मसला है तुम्हारा। खुद पर तुम गला दबाने पर भी अपना राइट समझती हो, मगर किसी दूसरे को उसकी बात मुकम्मल करने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारी यही डोमिनेटिंग सोच तुम्हें कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देगी शांजे। अभी तक जाग रही हो? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। तो फिर डिनर पे क्यों नहीं आए? आप सवाल पे सवाल क्यों कर रही हैं? मेरी बेटी का मूड खराब है। मेरा दिमाग खराब है। हुआ क्या है शांजे? व्हाट्स रॉन्ग? मॉम प्लीज, ओवर रिएक्ट मत करें प्लीज। ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रही शांजे। रमला से झगड़ा हुआ है? आप प्लीज यहां से चली जाएं। प्लीज। फाइन। रमला, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी जिंदगी में भी कोई आ सकता है और वो मुझे तुम्हारे फाइल से ज्यादा चाहेगा। मैं मोहब्बत के मामले में बंजर नहीं रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। शानी, ये लो तुम्हारी शर्ट हो गई इस्त्री। आदतें खराब कर दी हैं आपने मेरी। आपको पता है अब तो इस्त्री को हाथ लगाते हुए भी जान जाती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है। अच्छा ये बताएं, सजीला क्यों आई थी? अब तो कोई इमरजेंसी होती है तभी आती है, खैरियत तो थी? बताया तो था रमशा आ रही है ना पाकिस्तान, तो उसके कपड़े देने थे दर्जी को। बता रही थी। चलो अच्छी बात है, पूरे एक साल बाद वापस आ रही है वो। हाँ, और माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। सजीला बता रही थी कि समरीन की तरह ऐश कर रही है अपने ससुराल में। मामू कितने खुश थे ना जब दोनों बेटियों की बात पक्की हुई थी। मामू तो इस बात पे भी बहुत खुश थे कि तुम्हारी और सजीला की शादी हो जाएगी तो उनकी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। अम्मी और मामू ने तो तुम दोनों की बात भी पक्की कर दी थी बचपन में। मामू को अंदाजा नहीं था कि उनके जाती सजीला की प्रायोरिटीज ऐसे बदल जाएंगी। मैंने कल बात करने की कोशिश की थी उससे, पर मौजू ही बदल दिया, जैसे मेरी बात ही नहीं सुनी। रहने दें, बात तो मेरी भी नहीं सुनती।
अगर तुम्हारी बात नहीं सुनती तो ना सुने। अपना गुरूर रखिए अपने पास, मेरे भाई को कमी नहीं है लड़की। जिससे मोहब्बत हो और वो ना मिले तो जिंदगी में महरूमियों और कमियों के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। बीबी जी मेरी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है ना। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो फिर मुकम्मल छुट्टी लो, बस चले जाओ। फिर अगर इसकी तकसीम खुदा ने आपके हाथ में दे दिए तो कर दें मेरी छुट्टी, मेरा हिसाब कर दें आप। ठीक है, कर देती हूँ मैं। अगर अल्लाह ने रिस्क आप जैसों के हाथ में रखा है तो कीजिए अपना शौक पूरा। मिलाइए फोन और कीजिए कंप्लेन, कीजिए। आप जाएं छुट्टी पर, मगर छुट्टी के बाद काम पे वापस आ जाइएगा। सच बीबी जी? जी। बहुत शुक्रिया आपका। शांस, इट्स ओके मॉम, हमारे पुराने मुलाजिम हैं। इट्स ओके। बिलीवेबल। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ये लो। पिछला? पता नहीं। थैंक यू। हेलो। हेलो, शांजे बोल रही हूँ। ऑर्डर करना था। तो ऑर्डर करना है तो आप पिज्जा हाउस कॉल कीजिए ना। मेरे नंबर पे क्यों कॉल कर रही हैं? ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऑर्डर भी मेरा पर्सनल ही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर डिलीवर करना है। ऑर्डर प्लेस करना है तो आप पिज्जा हाउस कॉल कीजिए। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरा दिमाग मत खराब करें यार। इस तरह बात नहीं करते बेटा किसी से। अम्मी अगर ऐसे बात ना करूँ ना तो कुछ लोगों को समझ में ही ना आए। अब बताइए कि वक्त है कॉल करने का? सुबह सुबह ऑर्डर प्लेस कर रही है, वो भी मेरे पर्सनल नंबर पे। पागल। वही नंबर। आपको एक दफा की बात समझ में नहीं आती है? देखो, अगर मैंने तुम्हारे पिज्जा हाउस कॉल की तो मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगी कि आपके एम्प्लॉइज को बिल्कुल तमीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। लेकिन मैं भी एक काम करता हूँ, आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। जब भी मुझे मैनर्स सीखने की जरूरत पड़ी ना तो सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? कौन है, किससे इस तरह बात कर रहे हो? नहीं, ऐसे जाहिल लोग होते हैं, इनको समझ में नहीं आते। आप परेशान ना हो, बैठ जाए। नाश्ता किया आपने? हाँ, मैंने तो कर लिया सुबह ही सुबह। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। सलाम। अच्छा वो तुम आ गए, एक ऑर्डर डिलीवर करना है। क्या बात है सर, आज तो सुबह ही सुबह ऑर्डर। ये लो एड्रेस, ऑर्डर रेडी है। सर इस एड्रेस पे आप प्लीज रूफी को भेज दीजिए। रूफी तो आज लेट आएगा। सर मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, आप मेरी जगह किसी को भी भेज दें सर, प्लीज। मैं जॉब में ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, हमारे लिए पहले ये जरूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है। जाओ, देर हो रही है। ठीक है सर। तुम्हें सब समझ आ गया है ना, इतनी होशियारी से करना कि उसे डाउट ही ना हो, राइट? वो बेगम साहिबा को पता चल गया तो मुझे वो जॉब से फारिग कर देंगी। और अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। कुछ नहीं होगा,
कुछ होगा भी ना तो मैं संभाल लूंगी। अरे जाओ जाओ, वो आ गया है। मैडम जाओ। ए रामे जुनून।